जेके न्यूज टुडे देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बताया आपको कि लोकसभा जो कि विंटर सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कल अमित शाह ने जो है वो दो रिजर्वेशन बिल रखे, जिसमें कि साफ तौर पर ये कहा जा रहा था, दो रिजर्वेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल रखे जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि स्पेशली जो है वो कश्मीरीज के लिए और साथ ही साथ पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए हो सकते हैं। वही पर आपको बताया कि आज एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आज अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा लोकसभा में, उस चीज का जवाब जो है वो दिया जाएगा, तो वो भी आज जरूर आपको बताएंगे। लेकिन कल की बात बताएं तो कल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सवाल जो है वो लोकसभा में उठे। जैसे कि अगर बात करें तो अमित शाह ने इंटरवीन करते हुए कहा था कि एक देश में दो संविधान, दो झंडे, दो प्राइम मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, और ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और इस चीज को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारा है। एक तो ये बात होगी, और अगर इलेक्शंस की बात करें तो हर कोई जो है वो लोकसभा में यही सवाल पूछ रहा था कि इलेक्शंस जो है वो कब होंगे, तो उस चीज पर साफ तौर पर डॉक्टर जतिंदर सिंह ने ये कहा कि हम लोग तैयार हैं, इलेक्शन कमिश्नर जब भी इलेक्शन करवाए हम लोग तैयार हैं, हम लोग इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। हाँ, जैसे ही कोई फैसला निकल कर आता है लेकिन भाजपा जो है वो तैयार है इलेक्शंस को फेस करने के लिए। वहीं पर अगर लद्दाख की एमपी की बात करें नमग्याल की, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि लद्दाख में जो है वो हालात सामान्य है, तो लद्दाख के लोग जो है वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस हो। तो ये सब चीजें जो है ये कल लोकसभा में डिस्कस हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है वो लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो दो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल का जो है वो जवाब देंगे, तो वो सुनने के लिए सबको इंतजार रहेगा। जरूर आपको बताएंगे जेके न्यूज टुडे की तरफ से कि क्या कुछ आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने उन दो रिजर्वेशन बिल को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय इस खबर को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहेगा जेके न्यूज टुडे के साथ।